एशिया कप 2023 के सुपर फोर राउंड में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया, मगर इस मैच पर एक बार फिर बारिश हावी नजर आई। कोलंबो में खेला गया यह मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। अब यहां मुकाबला आज यानी रिजर्व डे 11 सितंबर को पूरा किया जाएगा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम ने खेल रुकने तक 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। अब रिजर्व डे में भी भारतीय टीम इसी स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, मगर यहां देखने वाली बात यह है कि बारिश के कारण मैच रिजर्व डे में जाने से भारतीय टीम की टेंशन काफी बढ़ गई है। इसका कारण है कि अब टीम को लगातार 2 दिनों में 2 मुकाबले खेलने होंगे। 11 सितंबर को पाकिस्तान से टला हुआ मैच पूरा करना है। यदि बारिश नहीं हुई तो इस मैच में भारतीय टीम को 25.5 ओवर बैटिंग करना है, इसके बाद 50 ओवर गेंदबाजी भी करना है। इसके अगले ही दिन यानी 12 सितंबर को भारतीय टीम का एक मैच पहले से ही शेड्यूल है। एशिया कप 2023 के सुपर फोर में टीम इंडिया को अपना यह दूसरा मैच श्रीलंकाई टीम के खिलाफ खेलना है। यदि दोनों दिन बारिश नहीं हुई तो भारतीय टीम को 175.5 ओवर मैदान में रहना होगा। बता दें कि रिजर्व डे को 24.1 ओवर में 147 रन पर 2 विकेट, इसी पॉइंट से भारत की बल्लेबाजी शुरू होगी। मगर मौसम को देखते हुए फैंस के मन में यहां सवाल उठ रहा है कि अगर रिजर्व डे में भी यह मुकाबला बारिश से प्रभावित होता है तो क्या होगा। इसका जवाब यहां है कि यदि रिजर्व डे में भी मैच नहीं हो पाता है तब मैच को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में दोनों टीमों को एक एक अंक मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में सोमवार को बारिश की आशंका 99% है। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।